शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं ढेर सारी आपको इन पावन दिनों की जिन्हें हम कहते हैं नवरात्र, और पूरे परिवार के लिए ये मंगलमय हो। तो दर्शन की यात्रा में जब माँ के दरबार जा रहे हैं तो आज मैं पुष्कर घाटी, देखो मोर भी बोल रहा है तो वो भी आपका स्वागत कर रहा है। तो हम पहुंचे हैं आज पुष्कर घाटी में नौसर माता मंदिर, चलिए दर्शन कराते हैं। एक ही मूर्ति में नौ देवियां हैं, नौ माँ के दर्शन होंगे, आइए चलते हैं। नौसर माता मंदिर में पीठाधीश्वर रामाकृष्ण जी के साथ हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी जो भी देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और इसी के साथ एक प्रार्थना कि भगवती आप सभी के लिए मंगल करें, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी, एक अलग महत्व पुष्कर घाटी में नौसर माता का, एक बार फिर से उस महिमा को जानते हैं जो माँ की यहाँ। जी, ये मंदिर 1200 वर्ष प्राचीन ग्वालियर महाराजा राजपूतों की स्थापना है। उसके पश्चात जब औरंगजेब ने भारतवर्ष के मंदिर खंडित करे थे, जब मंदिर खंडित कराया गया था, आज के करीब 125 वर्ष पूर्व हमारे दादा गुरु जो पधारे, उन्होंने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद में मेरी गुरु माँ श्रीमा उमा कुमारी जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन काल यहाँ पर समर्पित करते हुए इस मंदिर को और आगे विकसित कराया। जो माँ नवदुर्गा का स्वरूप है, ये एक स्वरूप में मानी एक शरीर में पूरे नौ रूपों का मिलना एक बहुत ही अद्भुत रूप है। बहुत अद्भुत, आप कहीं भी देखेंगे नवदुर्गा के रूप आपको अलग अलग मिलेंगे, पर एक ही शरीर में पूरे नौ रूप मिलना ये बहुत ही अलग बात है। तो यहाँ पे आपको पूरी नवदुर्गा का जो रूप है एक साथ मिलता है, और आपको कहीं और भारतवर्ष में ऐसा बहुत कोई भी ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपको एक साथ पूरी नवदुर्गा मिले। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी अर्चना करी हुई है, और शिवाजी के द्वारा भी यहाँ पे अर्चित है यह मंदिर, और बहुत ही प्राचीन है, पांडवों के द्वारा भी यहाँ पे अर्चित किया गया है मंदिर। और नवदुर्गा का विशेष रूप में जो आप बीच वाली माता देखते हैं, जो कि फर्स्ट से जैसे हम काउंट करते हैं तो उनका बीच में आता है, पर वो आखिरी स्वरूप है जिन्हें मध्य में स्थापित रखा जाता है। और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, सभी भक्तों की आस्था को मानी समझने वाली, सभी भक्तों के मन की बात समझने वाली कहा जाता है। अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं माँ हमेशा पूर्ण करती है। जी जी, तो अगर आप अजमेर आ रहे हैं, अजमेर में हैं तो आप आते ही होंगे, और आई एम श्योर आपको आना भी चाहिए, बहुत खूबसूरत ये दरबार है माँ का। लेकिन आप अगर अजमेर के कहीं बाहर हैं तो आपको अजमेर आमंत्रित करता है। जब आप पुष्कर जाएँ तो नौसर घाटी ये कहलाती है जहाँ नौसर माता का मंदिर है। शुभ हो आपके लिए नवरात्र। 92.7 बिग एफएम से अजय आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है रामाकृष्ण देव जी के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।